सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब परिवार वाले अपनी बहू पे दबाव बनाना शुरू करते हैं कि नहीं तुझे सर्विस करनी है, जल्दी ढूंढ कर, अब तक क्यों नहीं मिली, तू पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पा रही है, लगता है तू इंटरव्यू में तेरा कुछ जाएगा, तैयारी पूरी कर, उसको मतलब ऐसा प्रेशराइज कर देते हैं। अगर उसके मन में भी सर्विस करने की हो ना, तो उसके मन में फिर नफरत पैदा होने लगती है, सर्विस से चिढ़ और परिवार से नफरत, वो खिजलाहट माने लगती है। ठीक है भाई, ऐसी क्या आफत होगी? क्या आपको अपनी बहू का ही खाना है क्या आपको पूरी तरह? हैं, वो भी तो बेटी है, उसी के पैसे से आपको अपने खर्चा चलाना है क्या सारा, या जितना भी आधा चौथाई तिहाई, मतलब भाई मोटो तो यही है, वो कमाएगी तो कुछ खर्चा, चाहे आप उसका एक तिहाई लो, चौथाई लो, 10% लो, जो भी कुछ लो, इसका मतलब खर्चा उसी चलेगा ना आपका। अरे पति पत्नी तो आपस में कितना ही खर्चा कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक म्यूचुअल होता है, वो कॉमन सी बात होती है। ठीक है भाई, ले भाई, तू करेगी वो तू करेगी, कहानी खत्म। लेकिन जब सास ससुर या भाई भाभी या कहते हैं और कोई बहन बहनों, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य पति के अलावा और कोई सदस्य इन्वॉल्व होता है या उसको पति के द्वारा दबाव दिलवाता है, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मेरे भाव के लिए इतने से हैं कि आपको क्या करना है। आपकी बेटी अगर सर्विस करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, प्रोफेशनल है, ठीक है ना, तो वो तो अगर सामने वाले तैयार हैं तो ठीक है। अगर वो कहते हैं ठीक है देख लेंगे, जी हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है जी, कई होते हैं ना, नहीं उनको ज़रूरत होती कि बहू सर्विस करना, मतलब किसी भी तरह से काम पे लगाना, तो भाई फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो यही रहेगा, वो काम पे नहीं करेंगे। आमतौर पर बिजनेसमैनों में ऐसा होता है, या बहुत ही हाईली जो होते हैं, मतलब अच्छे मजबूत होते हैं वो लोग, मतलब चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग नहीं करते कि भाई हमें पसंद है। फौजी अफसर बहुत ऐसे करते हैं कि उनको नहीं पसंद, वो अपनी बीबी को मेम साहब बना कर रहता है, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन औरतें फिर भी लगी रहती हैं, नहीं मैं कुछ करना, गलत, मतलब गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा ठीक भी नहीं है, ठीक है ना। खैर एनीवे, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, मैं अब इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट। जिस जगह यूँ कहते हैं जी हमें तो सर्विस करानी है, या हमारे को कहते हैं, मतलब कहने करता, और जो आपकी बेटी कहती है मुझे पढ़ाई चाहिए, मैंने पापा कितनी भी कर ली, मैंने ऊँची से ऊँची कर ली, PhD कर ली, या मैंने ये पढ़ाई कर ली। देखिए डॉक्टरी एक ऐसी चीज़ है, किसी भी ब्रांच में हो, मेडिकल साइड में, वो तो खाली रह नहीं सकती, लेकिन बाकी सभी चीज़ों के अंदर भी अगर खाली बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर सामने तो अब यहाँ पर कहती मैं नहीं करना चाहती सर्विस, सामने वाले कहते हम तो सर्विस कराएंगे, हमें तो सर्विस वाली चाहिए, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ बढ़िया, हम फिर भी कहते कोई नहीं देख लेना जी, कोई नहीं, वो भी आगे चल के दिक्कतें पैदा होती हैं, कई बच्चे अड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर बड़ा वाद विवाद होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। तो वो मन मार के कुछ करा, सब कुछ करा, तो फिर वही बस दिमाग में रहता है, एक अजीब स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए बेटी वालों से यही मेरा है कि आप हाथ जोड़ के पहले सारी बात क्लियर करिए, तब ये ड्यूअल पॉलिसी वाला गेम मत करिए, इससे आपको ही नुकसान है और बेटी को फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। मंगल कामना, नमस्कार। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन गहरी हैं।